अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावा की लेटेस्ट अपडेट, जो कि आज 25/4/2023 को अभी मतलब उन्होंने रिलीज़ की है। उसमें उन्होंने कुछ अहम टॉपिक्स के ऊपर बात की है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सी नई चीज़ें जो हैं वो इसमें डिक्लेयर की हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भी उनका मैसेज ये आया है, जावा आई ग्लोबल मूवी इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ पीटी जावा आई इंटरनेट फिल्म इंडोनेशिया, दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडोनेशिया विल होल्ड ए मीटिंग दिस वीक टू डिस्कस द करंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द जावा आई प्लेटफॉर्म। तो मैं अगर इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करके बताऊं, तो उन्होंने कहा कि भाई जावा आई का जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म इंडोनेशिया में है, उसके जो तमाम शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कि आप और मैं और जो ये सब लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो इंडोनेशिया के जो इनका मेन ऑफिस है वहाँ पे हफ्ते के दिन में जावा आई का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट की गई है, जिसमें जावा आई के रिलेटेड जो भी मसाइल्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए। ऑल मेंबर्स प्लीज़ रेस्ट अक्योर्ड योर दैट योर कैपिटल प्लेटफॉर्म विल बी एब्सोल्युटली सेफ। सो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो भी कैपिटल है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अभी हमारे पास सेफ पड़ी हुई है। प्लीज़ वेट पेशेंटली फॉर दी ऑफिशियल नोटिस, के आप किसी भी मतलब हमारे जो ऑफिशियली जो नोटिस है उसका इंतज़ार करें सब्र के साथ। सो आगे उन्होंने कहा कि भाई करंटली दी जावा आई प्लेटफॉर्म देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ रनिंग नॉर्मली एंड नो मेंबर्स इन सम एरियाज आर अफेक्टेड बाय रमर्स एंड ऑल आर विदड्रॉइंग एंड नॉट वर्किंग। तो उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे कही है कि भाई जो भी तमाम अराकीन हैं, बराए मेहरबानी इस चीज़ पे यकीन रखें, और जावा आई का जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो अभी इसमें उन्होंने कहा कि भाई फ़िलहाल जावा आई प्लेटफॉर्म पर कोई मसाइल नहीं है, सब कुछ मामूल के मुताबिक ही चल रहा है, और अब कुछ इलाकों में मेंबरान अफवाहों से मतलब परेशान हैं, मुतासर हैं और सब पीछे हट रहे हैं कि मतलब कि ये जावा आई जो है हमारे साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने मेंशन किया अपने इन अल्फाज में, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज हैं। सो इस सूरत हाल में मतलब कोई भी बंदा जो है वो कह रहे कि कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनकी जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। दिस सिचुएशन विल ओनली कॉज ग्रेटर लॉस टू द कंपनी, कि भाई ये जो सिचुएशन है कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये तो बड़े फ़ायदे में है, बिकॉज इन्होंने तो $30 का भी हमारे साथ गेम किया, उससे पहले बाद में कहा जी $10 का डिपॉजिट देंगे, अब वो भी मतलब वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम ये भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया ड्यूरिंग द मीटिंग, द कंपनी डिसाइड टू सस्पेंड विड्रॉल्स, द ट्रेडिंग फंक्शंस एंड द टिकटिंग सिस्टम आर रनिंग नॉर्मली। तो ये तो आगे भी ये हो रहा है कि भाई आपने तीन विड्रॉल्स जो हैं वो आपने कैंसिल रिजेक्ट कर दी हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने $10 का भी विड्रॉ लगाया था वो भी अब रिजेक्ट हो जाएगा भाई सबका, ठीक है। तो बाकी वो कह रहे हैं कि भाई टिकट शिकट नॉर्मली लग रहे हैं तो वो लगाते रहें, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्टिंग, ठीक है। आई होप दैट ऑल मेंबर्स विल वर्क टुगेदर एंड यूनिट टू सपोर्ट जावा आई टू सॉल्व ऑल दी करंट प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है वो तमाम लोग इसी उम्मीद पे इकट्ठे काम करते रहें कि भाई आपका जो मसला है वो जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है बट नहीं है, ठीक है। ये भी एक लालच देने का एक नया तरीकाकार है इनका मार्केट के अंदर, कि भाई लोगों को थोड़ी सी हौसला दो ताकि वो मज़ीद से मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, मज़ीद से मज़ीद इस ऐप के ऊपर काम करें। द रिज़ल्ट ऑफ द मीटिंग विल बी अनाउंसड नेक्स्ट मंडे May 3 इन इंडोनेशिया, कि भाई 3 मई को मंडे वाले दिन ये जो है एक नई अनाउंसमेंट करेंगे इंडोनेशिया में। तो आई विश यू हैप्पी लाइफ जावा आई ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफिशियली अनाउंसमेंट April 25, 2023। सो ये भी एक जो उन्होंने मैसेज भेजा है तकरीबन, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब वही फ्रॉड और वही स्कैम डिले बाय डिले करने का ये एक नया तरीकाकार है, ठीक है, कि मतलब लोग थोड़ा सा यहाँ पे आएँ और उनको एक होप नज़र आए, देन वो जो लोग रहते हैं अभी जिन्होंने अपने अकाउंट्स वेरीफाई नहीं किए वो भी इसी चक्कर में आके मतलब अकाउंट्स वेरीफाई करें, उनको मज़ीद जो है उनके इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का मौका मिल सके। तो भाई कोई भी बंदा
जीरो इन्वेस्टमेंट करें इस ऐप के अंदर, जो भी ऐप वो कोई कोई बंदा अपनी वेरिफिकेशन ना करवाए, कुछ ना करवाए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जस्ट आपके पैसे ज़ाया होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। $10 का ये विड्रॉ नहीं दे रहे तो आपको मतलब क्या ये आगे आप इनसे उम्मीद लगा सकते हैं। सो बी अवेयर। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा कि भाई किस किस के कितना कितना ज़्यादा पैसा जो है इस ऐप के अंदर मतलब स्टक हो गया है, रुक गया है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।